क्वेश्चन नंबर फोर वी विल स्टार्ट विथ. दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1. इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस यू कैन स्टिल आस्क. इन क्वेश्चन नंबर फोर वी आर गिवन इफ अ पॉइंट सी lies between two points A and B such that AC is equal to BC. हमें given है एक point C between two points A and B. A और B के बीच में C point इस तरीके से हमें given है such that AC is equal to BC. यानी कि C is the midpoint of AB. हमें prove क्या करना है? That AC is half of AB. ये चीज मुझे शो करनी है और एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर. उसने क्लियर कट हमें यहाँ पे कहा है कि इसको हमने एक्सप्लेन करना है बाय ड्रॉइंग द फिगर. तो मैंने ये फिगर बना दी ए बी, इनके बीच में हमने ये पॉइंट ले लिया सी और प्रूव हमें करना है ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. गिवन क्या है मुझे यहाँ पे देखो, गिवन C is a point on AB such that AC is equal to CB. तो ये मुझे गिवन है, ये आप टू प्रूफ में लिख लोगे AC is equal to half of AB. जो मुझे गिवन है मैंने उसको लेके चलना है. तो यहाँ हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं. यहाँ आप टू प्रूफ लिख लीजिएगा इधर से. सो प्रूफ हो जाएगा हमारा, हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू सी बी. अब दो चीजें जो हैं वो मुझे इक्वल गिवन है. जो टू प्रूफ अगर मैं देखूं तो इसको मुझे क्या क्या चाहिए, ए सी और ए बी. ए सी यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए मुझे और ए बी यानी कि ये फुल पार्ट चाहिए. तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो AC और BC मुझे ऑलरेडी गिवन है. लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे AC ही चाहिए, राइट हैंड साइड पे मुझे BC की जगह क्या चाहिए, AB. यानी कि BC को AB बनाने के लिए मुझे ये पार्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा. और अगर मैं दो चीजें मुझे इक्वल गिवन हैं, अगर मैं एक साइड पे ऐड कर रही हूं तो उनको इक्वल जो साइन है वो मेंटेन रखने के लिए मुझे दूसरी साइड पे भी वही सेम चीज ऐड करनी पड़ेगी. सो एडिंग एसी टू बोथ साइड्स, अब यहाँ पे कैन यू टेल मी विच एक्सियम वी आर यूजिंग? हाँ जी, नो हैंड रेज्ड. One I can see. Okay, Arshpreet. If equals added to equals, then wholes are equal. Very good. If equals are added to equals, यहाँ पे ये already equal थे. इसमें दोनों में हमने ये AC equal add कर दिया. So यहाँ पे हमारा जो axiom use हो रहा है, that is if equals are added to equals, then होल्स आर इक्वल. नाउ एसी प्लस एसी, ठीक है, लाइक टर्म्स हो गई दोनों. अगर हम दूसरे तरीके से देखें अल्जेब्रिक वे में, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एसी इक्वल टू सी बी प्लस एसी. दिस इज योर सी बी, इसमें आप एसी ऐड करोगे तो दिस इज इक्वल टू ए बी. तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए बी से. मुझे जो प्रूव करना है इन दैट आई एम हैविंग ए सी ऑन दिस साइड, दूसरी साइड पे मेरे पास हाफ ऑफ ए बी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू. तो आई विल गेट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. तो अगेन वहां पे क्या आ जाएगा, जब मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू करूंगी हाँ जी, क्या एक्सियम यूज करेंगे यहाँ पे? एनीवन एल्स? अर्शप्रीत के अलावा आप कोई और बताए. मैंने क्या किया है यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी किया.
हाँ जी दिया यस थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर वेरी गुड. अब यहाँ पे सेम थिंग्स हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी, तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर वेरी गुड. ये वाला एक्सियम आप स्किप भी कर सकते हो बट स्टिल आई एम गिविंग यू द प्रैक्टिस टू राइट इट डाउन. थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फोर. तो यहाँ पे ये आपका प्रूव हो गया दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. दोबारा देख लो इसको. हमें गिवन था सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट AC is equal to BC and we were to prove that AC is half of AB. AC or CB हमें equal given थे. जो मुझे प्रूव करना है if I see that according to that AC is equal to CB. Vanshika concentrate on the board. So AC is equal to CB यहाँ पे हमें given है. तो मैंने क्योंकि मुझे AC चाहिए और यहाँ पे मुझे प्रूव करना है जो उसमें AB चाहिए तो बी सी में जब मैं ए सी एड करूंगी देन आई विल गेट ए बी. तो मैंने क्या किया जो सी बी वाली साइड थी वहां पे ए सी एड किया बट क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन मेंटेन रखना है तो दोनों साइड पे हमें सेम थिंग एड करनी पड़ेगी ताकि ये इक्वल हमारा यहाँ पे एज इट इज रहे. तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू सी बी प्लस ए सी. इससे हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. यहां से ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी आ गया. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू हमने किया तो अगेन हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी वर टू प्रूव. आई होप दिस वन इज क्लियर. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द डाउट. नाउ मूविंग यस दिया जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने एसी ऐड किया है बोथ साइड्स में मैम मुझे उसमें डाउट है मैम यहां पे एक्सियम फिफ्थ नहीं लग सकता द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट वाले को बच्चे इक्वल लाने के लिए ही हमने यहां पे दोनों साइड्स पे ऐड किया है. जो आप कह रहे हो ना होल इज ग्रेटर देन द पार्ट वहां पे ग्रेटर देन का फिर आपका साइन आ जाएगा बट हमें क्योंकि इसको इक्वल शो करना है तो हम इक्वल वाला कांसेप्ट लेके चले. ठीक है ओके मैम यस मैम थैंक यू. ओके बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव. यू आर गिवन इन क्वेश्चन फोर पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. हमने ये जो अभी क्वेश्चन फोर किया क्योंकि इसमें हमें ए सी इक्वल टू सी बी गिवन था तो इट मीन्स कि सी जो था वो मिड पॉइंट था किसका ए बी का. अब वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one midpoint. हमें शो करना है कि हर जो लाइन सेगमेंट है उसका एक ही मिड पॉइंट बनता है. ठीक है क्वेश्चन क्लियर है. हमने क्या शो करना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं अगर हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट लेके चलें या जितनी लाइन सेगमेंट्स बनती हैं अगर हम वो लेके चलें तो हर लाइन सेगमेंट के लिए सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है. इट कैनॉट बी मोर देन वन. सो हम क्या करेंगे इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे. हमने यहाँ पे मान लेना है लेट इफ पॉसिबल तो यहाँ पे हमारे पास दो मिड पॉइंट्स हैं एक सी हमें गिवन है. हम मान के चलेंगे लेट इफ पॉसिबल डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. हम डी को भी मिड पॉइंट मान लेंगे ए बी का. So we will write down let if possible क्योंकि ये हम assumption कर रहे हैं तो अगर ये possible है तभी ये let हो रहे हैं. let if possible D is another midpoint another midpoint
ऑफ ए बी। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है, सी को छोड़ दो और इस पे कंसेंट्रेट करो। हमने क्या कहा, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी अगर मिड पॉइंट होगा इट मींस ए डी और डी बी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू डी बी। लेट इफ पॉसिबल हमने कर लिया कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो डी दूसरा मिड पॉइंट हो गया। अब क्योंकि डी को हम मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं तो ए डी और डी बी, यानी कि डी जो है वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो वो हमने ले लिया कि ए डी जो है दैट इज इक्वल टू डी बी। अब दूसरी तरफ हमें ये गिवन है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बट इट इज गिवन दैट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी बी। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर वन and this be your equation number 2. अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है दोनों equations को subtract, चाहे आप 1 minus 2 कर लो, चाहे आप 2 minus 1 कर लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ subtracting 1 from 2, आप 2 from 1 भी कर सकते हो। जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ए डी और ए सी, तो ए सी माइनस ए डी दिस इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। फ्रॉम के बाद टू है तो सेकेंड इक्वेशन वाले ए सी और बी सी ये दोनों पहले आ गए। उसके बाद वन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो AD और BB या BD के आगे मैंने दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब फिगर से हम चेक करेंगे कि क्या आएगा मेरे पास। दिस इज AC और इसके बीच में ये पॉइंट है D। हम क्या कर रहे हैं, AC माइनस AD, ये पूरा AC है, AC में से AD मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद सी डी, यानी कि ए सी माइनस ए डी किसके इक्वल आ गया, सी डी के। फिगर से नहीं समझ आता तो यहाँ देख लो, ए पॉइंट दोनों में कॉमन है, वो एलिमिनेट हो गया, रह क्या गया यहाँ पे सी डी। अब सेम वे में यहाँ पे देखो, सेकेंड क्या है, सेकेंड में वो क्या कह रहे हैं, बी सी में से बी डी सब्ट्रैक्ट करना है। बी सी छोटा है, BD बड़ा है, यानी कि माइनस का साइन आएगा। जब आप छोटे में से बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिव साइन लगता है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले लिया। अब BD में से BC में से BD सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने नेगेटिव साइन ले लिया, इट मींस बड़े में से अब छोटा मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो BD में से BC हटाया तो क्या रह गया, CD। क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस सी डी। अब यहाँ ध्यान देना है, एक टर्म आपकी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो इनको कैंसल आउट नहीं करना है। आप अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस सी डी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे, दिस विल बिकम प्लस सी डी, और सी डी प्लस सी डी विल बी टू सी डी, दिस इज सी डी इक्वल टू जीरो। सी डी इक्वल टू जीरो कब होगा, वेन सी एंड डी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट। यहाँ सी डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज जीरो। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी आपका जीरो कब होगा, जब डी एंड सी आपके कोइंसाइड करेंगे, इट मीन्स वो दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज C and D coincide. अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स coincide कर रहे हैं, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका ये प्रूव हो गया दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो लास्ट में आप क्वेश्चन में से एज इट इज देख के लिखोगे, दिस प्रूव्स दैट आगे क्वेश्चन में से लिखोगे आप, एवरी लाइन सेगमेंट हैज
वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हमने इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया है. हमने ये मान लिया कि अगर पॉसिबिलिटी है तो एक दूसरा मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है डी. अब क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी आ जाएगा आपका. और इसके साथ हमें क्या गिवन था, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी. हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. AC बड़ा था, AD छोटा था, बड़े B से छोटा माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आया. BC छोटा था, BD आपका बड़ा था, तो छोटे में से बड़ा माइनस किया तो नेगेटिव आंसर आ गया. दोनों CD के इक्वल थे, यहां से ये माइनस CD हम इधर लाए प्लस हो गया. सेम टर्म्स हैं, ऐड हो गई, तो दिस गेव यू ट्वाइस ऑफ CD इक्वल टू जीरो. टू से डिवाइड किया दोनों तरफ तो CD इज इक्वल टू जीरो. तो C एंड D कोइंसाइड. अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मैं एक्सियम कहां पे लिखूं कि कौन सी यूज हो रही है. इज देयर एनी पॉइंट वेयर वी कैन राइट डाउन द एक्सियम. अच्छा चलो देखो, यहां पे क्या हम एक्सियम लगा सकते हैं. चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है. यस दिया, मैम CD इक्वल टू जीरो के साथ. CD इक्वल टू जीरो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू. जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो. यहाँ पे ट्वाइस ऑफ CD था, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो बाय टू इज जीरो. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू. तो यहाँ राइट हैंड साइड पे जीरो बाय टू इज जीरो. हाँ जी, एक्सियम बताएंगे बच्चे कौन सी यूज हुई. यहाँ पे तो ये चारों टर्म्स आपके डिफरेंट हैं, तो वी कांट राइट डाउन एनी ऑफ द एक्सियम्स. कहाँ लिख सकते हैं हम. डिवाइडिंग एक्सियम को. हाँ जी मैम, कोइंसाइड वाली एक्सियम तो हमने लास्ट में लिख दिया. कोइंसाइड वाली कैसे लिखोगे बच्चे. मैम थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. उसमें आपके सी और डी इक्वल हो गए, फिर उससे क्या हुआ, हमें तो उसको सेम शो करना है. यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सेम एग्जाम जो हमने पीछे यूज की थी कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट इज ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप एग्जाम आपकी है एग्जाम नंबर 7 दैट यू कैन एड. बच्चे बुक के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम्स के नंबर्स जो है याद कर लेना. ये यूक्लिड की बुक के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स के नंबर नहीं है. यहाँ पे आपको सिर्फ 7 एग्जाम्स और 5 पोस्टुलेट्स जो गिवन है, बुक के अकॉर्डिंगली आप उनका नंबर याद कर लेना. क्योंकि कई बार क्वेश्चन में होता है कि यूजिंग एग्जाम 3 या यूजिंग एग्जाम 5 या यूजिंग पोस्टुलेट 5. तो जब तक आपको नंबर ऑफ एग्जाम या पोस्टुलेट नहीं पता होगा, यू वोंट बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन. तो ये इनका सीक्वेंस आप लर्न कर लेना कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है. बट अगर हम वैसे सीक्वेंस देखें तो हमारी बुक का जो सीक्वेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सीक्वेंस दैट इज रिटन इन द यूक्लिड्स बुक. तो वहां वाला सीक्वेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है. अपनी बुक में जिस ऑर्डर में हमारे वो गिवन है, हमें वो जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए. दिया, डू यू वांट टू आस्क समथिंग. नो मैम. ओके फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहे हैं, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. गिवन बताइए क्या क्या है. एनी वन ऑफ यू, क्या गिवन है इसमें आपको. AC इक्वल टू BD और टू प्रूफ में आप लिख देंगे. क्लियर कट यहाँ पे गिवन है. गिवन में AC इक्वल टू BD, टू प्रूफ में AB इज इक्वल टू CD. सो लेट अस मेक द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AB दो पॉइंट्स इस तरीके से गिवन है एंड देन B और C पॉइंट्स जो हैं इनके बीच में गिवन है. दिस इज पॉइंट D, दिस इज B, दिस इज C. अब ध्यान से देखना यहाँ पे.
मुझे गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, एंड आई हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब यहां ध्यान से देखो, ए सी और बी डी ये मुझे इक्वल गिवन, और मुझे शो किसको किसको इक्वल करना है, ए बी को और सी डी को. इट मींस ये वाला जो दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है, मुझे इसको यहां से रिमूव करना है. ठीक है, यहां से मुझे इसको रिमूव करना है. अब देखो ये वाली और ये वाली लेंथ मुझे इक्वल गिवन है, दोनों लेंथ इक्वल है. दोनों में से अगर ये कॉमन पोर्शन बी सी में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आई विल गेट दिस ए बी इक्वल टू सी डी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स. ये बुक में जो गिवन है, मैं उससे डिफरेंट वे से करवा रही हूँ. आपको अगर बुक वाला इजी लगता है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. बुक में पीछे जो आपके एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो सब्ट्रैक्टिंग बी सी, बी सी यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दोनों में से कॉमन पोर्शन है, जिसको अगर मैं यहां से हटा दू तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी. तो हमने क्या किया, यहाँ से दोनों साइड्स जो मुझे इक्वल गिवन थी उनमें से मैंने बी सी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ यू कैन सी कि कौन सा हमारा एग्जाम लगा यहाँ पे, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. सब्ट्रैक्टेड वर्ड जहां पे आते हैं वहां हम रिमाइंडर यूज करते हैं. सो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी. अब देखो यहाँ पे सी कॉमन है दोनों में, तो रह क्या गया इधर ए बी. यहाँ पे बी कॉमन है दोनों में, तो रह क्या गया यहाँ पे सी डी. अदरवाइज यू कैन सी दिस फ्रॉम द फिगर ऑल्सो, ए सी में से मुझे बी सी सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद ए बी. दूसरा क्या था, बी डी में से मुझे ये बी सी सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या रह गया यहाँ पे सी डी. तो ए बी इज इक्वल टू सी डी. साथ में यहाँ पे आप एक्सियम लिख दोगे, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड then remainders are equal. So AB equal to CD आ गया आपका, hence proved. You were to prove this only, तो ये आपका यहाँ पे prove हो गया. So this was your question number 6. अब question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने कहा वाई इज एक्सियम 5. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आ गया वाई इज एक्सियम 5. तो अगर आपको एक्सियम 5 नहीं पता है तो यू कांट आंसर द क्वेश्चन. एक्सियम 5 जो है अगर आपको पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. एक्सियम 5 क्या है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट. होल इज ग्रेटर देन पार्ट. आप कोई भी मान लो फ्रूट लेते हो, सपोज वाटरमेलन आपने ले लिया, जब वो पूरा है होल है वो, आप क्या करते हो जब उसको खाने लगते हो तो उसके पीसेस करते हो, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हो, देन यू जो पूरी फैमिली या घर में जितने भी मेंबर्स को आप कह सकते हो कि ये अच्छा लगता है वाटरमेलन, वो उसको ले लेते हैं. अब जो पूरा वाटरमेलन था आपका वो होल था, बड़ा था, जब आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वो छोटा हो गया. यू कैन इजीली सी कि अगर आप एक वाटरमेलन टू इक्वल साइजेस के भी अगर आप वाटरमेलन ले लेते हो, उसको डिवाइड कर देते हो टू पार्ट्स में, तो जो सिंगल पार्ट है उसका, यानी कि जब वो एज अ होल पूरा था, वो हाफ वाले से क्या होगा, बड़ा होगा. सेम वे में आप किसी भी फ्रूट या वेजेस का एग्जाम्पल ले सकते हो. अब वो क्या कह रहे हैं, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम considered a universal truth. Note that the question is not about the fifth postulate. Axioms or postulates जो हैं वो दोनों different हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है
कि क्वेश्चन में फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन में फिफ्थ एक्सियम की बात हो रही है। फिफ्थ एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। सो यू कैन राइट इट डाउन, वी नो दैट, हमें ये पता ही है। तो इसमें आप कोई भी जो है वो लिख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड। कोई भी चीज हम अगर इसमें ले लेते हैं तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है उसके लिए ट्रू है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट इट डाउन, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। This is true for anything in any part of the universe. So this is a universal truth. So this is a universal truth. अब अपनी बुक देखिए बच्चे, पेज नंबर 86। इसमें आपका जहां पे ये गिवन है इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है प्लेफेयर्स एक्सियम। जितने भी ये इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं इसके पोस्टुलेट के, फिफ्थ पोस्टुलेट के, फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या था कि अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है और एक उनकी ट्रांसवर्सल गिवन है, तो अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल नहीं होता तो ओपोजिट साइड पे उनको एक्सटेंड करने पे लाइंस को वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। अगर इनका सम इक्वल टू 180 होता है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। इफ दिस सम इज इक्वल टू 180, अगर नॉट इक्वल टू 180 है तो जिस साइड पे लेस देन 180 होता है उस साइड पे जो आपकी लाइन्स हैं वो दोनों मीट करती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसके जो इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं फिफ्थ पोस्टुलेट के वो सारे क्या बनाते हैं, उन सब में से एक क्या है, प्ले फेयर एक्सियम है। उनमें से एक वर्जन जो है उसको प्ले फेयर एक्सियम कहा जाता है, जो आपको आगे गिवन है उस वाले के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर हमारे पास एक लाइन एल गिवन है और एक पॉइंट मुझे पी गिवन है विच इज नॉट ऑन एल, ये पॉइंट पी जो है ये लाइन एल के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो P से जितनी भी लाइंस पास करेंगी एक यूनिक लाइन होगी, यानी कि देयर विल बी ओनली अ सिंगल लाइन विच विल बी पैरेलल टू L, एक अकेली लाइन ऐसी होगी जो L के पैरेलल होगी, बाकी जितनी मर्जी लाइंस यहां से पास कर जाएं दैट विल नॉट बी पैरेलल टू L। तो प्लेफेयर एग्जाम में क्या कहा गया है कि अगर L मुझे एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट P मुझे गिवन है विच इज नॉट ऑन L, यानी कि हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो L पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो P से जितनी भी लाइंस पास होती हैं देयर विल बी अ यूनिक लाइन विच विल बी पैरेलल टू L, एक से ज्यादा लाइन जो है वो L के पैरेलल नहीं हो सकती है। सो दिस इज द प्ले फेयर एग्जाम, ये भी आपको लर्न करना है, इसको भी मार्क कर लो। तो इस जो ये वाली स्टेटमेंट है दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस आल्सो दैट डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दीज कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, कि ये अलग अलग लाइनें सभी की सभी लाइनें जो है वो एल के पैरेलल नहीं हो सकती, ओनली वन लाइन विल बी देयर विच विल बी पैरेलल टू एल। उसके बाद पेज नंबर 87 देखो, पेज नंबर 87 में आपको क्या कहा गया कि यूक्लिड ने जो अपना फिफ्थ पोस्टुलेट दिया है उस पोस्टुलेट को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए उसने उसके जो 28 थ्योरम्स थी जो उसने पहले प्रूव की थी उनमें से एक भी यूज नहीं की थी। कितने सारे मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने जो है फिफ्थ पोस्टुलेट को कहा कि ये पोस्टुलेट नहीं है, दिस कैन बी, दिस इज अ थ्योरम, दिस कैन बी प्रूव्ड, उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको प्रूव करने की भी कोशिश की बट दे ऑल फेल्ड, वो इस जो पोस्टुलेट है इसको प्रूव नहीं कर पाए एज अ थ्योरम। तो वहां पे क्या हुआ कि हालांकि वो इसको तो प्रूव नहीं कर पाए बट वहां से उन्होंने कई और चीजें जो है ज्योमेट्री की जो है उन्होंने वहां से डिडक्ट की
अदरवाइज क्या था कि जब तक यूक्लिड की ज्योमेट्री पे उन्होंने और रिसर्चेस नहीं की थी, तब तक सिर्फ ये ही माना जाता था कि ज्योमेट्री की एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस पे और रिसर्च शुरू की, रिसर्च किस वे में उन्होंने शुरू की कि उन्होंने कोशिश की कि उसके फिफ्थ पोस्टुलेट को एज अ थ्योरम हम प्रूफ करें, तो वो प्रूफ तो नहीं हुआ, बट उससे उन्होंने जो रिजल्ट्स जो है निकाले, उससे जो उनको रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे उनको ये पता लगा कि यूक्लिड ज्योमेट्री के अलावा भी देयर इज सम अदर ज्योमेट्री, जिसको बाद में नेम दिया गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, या हम अगर बात करें तो दैट इज द स्फेरिकल ज्योमेट्री। यूक्लिड के अकॉर्डिंगली यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है दैट इज वैलिड ओनली ऑन द लाइंस, जो आपका प्लेन सरफेस है वो उस पे उसके रिजल्ट्स वैलिड होते हैं, बट जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है उस पे ये यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स जो है वो वैलिड उसके लिए नहीं है। अश्मित, यू वांट टू आस्क समथिंग? आई थिंक यू कैन आस्क बच्चे। मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? मैम एक्चुअली मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आपका ये पेज नंबर 87 पे जो बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में ये बताया गया है कि यूक्लिड ने जो उसका फिफ्थ पोस्टुलेट था उसको जो है प्रूव करने के लिए, जो पहले 28 थ्योरम्स उसने प्रूव की थी उनमें से एक भी थ्योरम यूज नहीं की, जितने बाकी के आप कह सकते हो कि दूसरे मैथमेटिशियंस थे वो सारे ये कहते थे कि यूक्लिड की जो फिफ्थ पोस्टुलेट है दैट कैन बी प्रूव्ड एज अ थ्योरम, कि उसका प्रूफ जो है वो दिया जा सकता है। बहुत कोशिश की उन लोगों ने इसका प्रूव करने के लिए बट दे फेल्ड टू प्रूव दिस। ये पोस्टुलेट तो प्रूव नहीं हुआ, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोस्टुलेट वो और कहीं उनके पास रिजल्ट्स आ गए, जिससे उनको ये पता लगा कि सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री ही नहीं है, देयर इज सम अदर ज्योमेट्री ऑल्सो विच इज नोन एज नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द प्लेन सर्फेसिस, लेकिन जो उन्होंने रिसर्चेस के बेसिस पे बाद में प्रूफ दिए उसमें जो है वो आपकी स्फेरिकल बेसिस पे या नॉन यूक्लिडियन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी वो प्रूफ्स आपके वैलिड हैं। यस दिया। मैम पोस्टुलेट और थ्योरम में एक बार डिफरेंस बता दो। बच्चे थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम्स को हम जो ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज करके प्रूव कर सकते हैं, बट पोस्टुलेट्स जो है दैट आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेट प्रूव्ड स्टेटमेंट्स, आप उनको प्रूव नहीं कर सकते। गॉट इट? यस मैम। मैम ये प्रूवन होती हैं और ये आगे प्रूव नहीं की जा सकती? यस, आगे मतलब इनको हम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एज अ ट्रुथ ही लेके चलते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, मतलब हम इनको ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स मान के चलते हैं, बट जो हमारी थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ्स हम दे सकते हैं, ठीक है? उनको हम ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स नहीं लेते हैं, जो आपके पोस्टुलेट्स हैं उनको हम ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स या आप कह सकते हो कि ट्रू स्टेटमेंट्स लेके चलते हैं, कि उनको हम फॉल्स नहीं कह सकते, दे आर ऑलवेज ट्रू। अब हमारे पास आगे देखो यहाँ पे आपका फिगर गिवन है, इसमें पेज नंबर 87 पे इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो यहाँ पे, आई होप द फिगर इज क्लियर, इस फिगर के अकॉर्डिंगली आप देखो तो यहाँ पे ए एन और बी एन जो है वो आपको परपेंडिकुलर गिवन है इस ए बी के ऊपर, ए बी पे ए एन परपेंडिकुलर है और बी एन परपेंडिकुलर है। वो इसको परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हैं कि अगर मैं एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ करती हूँ और बहुत बड़े सर्कल में लेट अस सपोज कि हम एक पार्ट ले लेते हैं, मान लो मैंने ये ले लिया, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। एक बहुत बड़े स्फीयर का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। As the bell has gone, so I will discuss continue with this topic tomorrow. Ashmit, if you are having any doubt, so you can ask.